हेलो शुक्र, आज हम बात करेंगे डे 24 में मॉर्निंग पिस्टल में किस तरह से हम ट्रिगर वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। मॉर्निंग पिस्टल के अंदर जो ट्रिगर वेट है उसको बहुत ही इजी तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रिगर वेट के जो स्प्रिंग हैं वो बिल्कुल ट्रिगर के पीछे दिए हुए हैं, जिसको आपको ग्रिप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने कैसे इसमें याद रखना है कि हमें सेकेंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज के अगर ट्रिगर वेट को हमें बढ़ाना है तो उसको किस तरह से बढ़ाना है, उसको हमने कैसे याद रखना है। जैसे राइट हैंड साइड की ये ग्रिप है, तो राइट हैंड साइड को जैसे ही हम ग्रिप को पकड़ते हैं तो जो ट्रिगर वाली उंगली है हमारी, उसके साथ में जो स्प्रिंग आ रहा है, जो ट्रिगर के पीछे जो ट्रिगर वाली उंगली है उसके साथ में जो स्प्रिंग आ रहा है, अगर उस साइड के स्प्रिंग को हम क्लॉकवाइज करते हैं तो जो उसका सेकेंड स्टेज प्रेशर है, वो वेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर अंगूठे वाली साइड पे जो स्प्रिंग है, इस साइड में जो स्प्रिंग है, अगर उसको हम क्लॉकवाइज करते हैं तो फर्स्ट स्टेज का जो सा ट्रिगर वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड स्टेज के ट्रिगर वेट को ही इंक्रीज कीजिए, तो वो आपका जो ट्रिगर वाली उंगली है उसके पीछे उसका स्प्रिंग होता है, तो उसको आप क्लॉकवाइज करके इंक्रीज कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज करके उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो डे 25 में हम मिलते हैं पार्थनी क्रिस्टल के वेट को किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।